बंदर आया। ओके इसको देखो क्या बात है। थैंक यू भाई। जैसी बाहर निकला ना भाई आपसे दिल बना के दिखा रहा कि अच्छे लग रहे। बताओ कहाँ जा रहा है? सीधा लद्दाख लगा दूं क्या पापा? मोर नाले पैर वाले। मोर नाले नाले पैर वाले हाई। वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स। क्या बात है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और रात को तो नहीं दिखा पाए, अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा होटल है और वो हाईवे है सामने, वो देख रहे हो वो निकल रही है रोड। तो हमने सोचा यहीं पर होटल लेना सही रहेगा। और अभी देखो तुम्हारा भाई कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब एकदम बढ़िया सी शर्ट पहन के, ब्लैक पगड़ी पहन के। लेकिन नीचे देखो अभी कुछ है ही नहीं, अभी मेरे को धोती पहननी है, सबके साथ रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली वीडियो अपलोड हो रही ना तो उसमें टाइम मिल रहा था, तो मेरे को अभी डिसाइड करना है ये वाली धोती पहनूं क्योंकि ब्लैक कलर इस ब्लैक कलर से जाएगा, या ये वाली धोती पहनूं क्योंकि ये वाला कलर इस कलर से जाएगा। तो थोड़ा कंफ्यूज हूं, दोनों पहन के देख लेता हूं, जो सी भी सही लगी पहन लूंगा। और यहाँ पर ना दिक्कत भी नहीं है, अभी दिल्ली में धोती पहन के घूमूंगा। दिल्ली वाले बोले भाई क्या कर रहा है ये, क्या चल क्या रहा है। सोचो मैं पापा की शॉप पे धोती पहन के खड़ा हो गया, पापा ग्राहक आ रहे हैं सामान कम लेंगे मेरे को ज्यादा देखेंगे। अरे पापा पहले धोती पहनते थे भाई। क्या बात कर रहे हो, सोचने धोती नहीं पहनता था सही में। अंगी धोतियां कोई फोटो पड़ी पुरानी? नहीं फोटो नहीं थी। सही में कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? सही में कह रहा हूं। अरे अरे धोती पहनती है देख रहे हो, ये चीजें उड़ उड़ के ना वहीं से मेरे पास आती है। ट्रैवलिंग का कीड़ा पहले उड़ के आया, अभी धोती उड़ के वहां से मेरे पास आ गई है। मेरे को इसको ना पहनने में मजा आया तो मैं सोच रहा हूँ आज भी पहनूंगा, और अगर अच्छी लगेगी मजा आएगा गाड़ी चलाने में तो आगे भी देखेंगे, आगे भी पहनेंगे। तो भी डिसाइड करते कौन सी पहनते, रेडी होता उसके बाद दोबारा मिलता हूँ। और यहाँ और ये हमारी वीडियो अपलोड जो कि लगभग लगभग 100% हो चुकी है। Few moments later. तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक नई वीडियो में। और अभी हम है वाडीपट्टी, यहाँ से जा रहे हैं हम ऊटी। कल हम निकले थे रामेश्वरम से, और हम क्या प्लान कर रहे हैं ना रामेश्वरम से लद्दाख जाने के लिए। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ नए सब्सक्राइबर भी आ रहे हो हमारी वीडियो देखने के लिए, तो उनको पता होना चाहिए कि हम ट्रैवल कहाँ से कहाँ कर रहे हैं। रामेश्वरम टू लद्दाख प्लान ये है, जहां तक जाया जाएगा जाएंगे। देखो होता है जो ऊपर वाले की मंजूरी होती है, बाकी हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं। तो पापा आर यू रेडी? Oh, yeah. I am also ready. क्या बात है। तो इसी के साथ अपना डायलॉग भी बोल लेते हैं, धोती भी रेडी है, कुर्ता भी रेडी है, तुम्हारा भाई भी एकदम रेडी है। अभी टाइम हो रहा है, ₹50 मतलब मजा आने वाला, आपको तगड़े तगड़े सीने क्यों दिखने वाले हैं। क्या बात है। थैंक यू भाई। जैसी बाहर निकला ना भाई हाथ से दिल बना के दिखा रहा कि अच्छे लग रहे हो। थैंक यू भाई। हाउ आर यू लुकिंग लाइक यू? सुपर से भी ऊपर। पक्का? अरे अच्छा लगता ना हर बंदा तारीफ करता है। नहीं है ये, नहीं है ये घर पे पहनता है। ही इज फ्रॉम असम। असम में तो चलता है ना धोती, और बार बार मेरे मुंह से इसको धोती निकल रहा ना, ये धोती नहीं है बेसिकली मुंडू है। होता क्या ना हमारी साइड में इसको धोती बोलते हैं, इसलिए बार बार जब भी मैं बोलता हूँ धोती निकल जाता है। चले भाई, तो आप लोग देख रहे होंगे ये चप्पल अच्छी नहीं लग रही ना धोती के साथ, ये स्पेशल हम घर से लेकर आए थे। मतलब ऐसा नहीं हमने यहीं आके प्लान बनाया था, घर से ही हमारा प्लान था कि भाई यहाँ पर आके कुछ ऐसा करेंगे। कुछ भी करो ना तो थोड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब सारी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत प्लानिंग होनी चाहिए तभी मजा आता है। चल भाई चल। रुके रुके क्या करने वाले आप? सॉरी पता चले टैची उठाई नीचे से मुंडू खुल गया। हाँ अकेले रखो ना। बोले सो देहा। क्या बात है, आ जाएगा भाई असली फील गाड़ी चलाने का। यही फील मैं दो तीन दिन से लेना चाह रहा था। अरे ये गाड़ी इतनी आगे क्यों है? अच्छा एक्चुअली कल तुम दोनों ने चलाई थी ना, मेरी टांगे लंबी है ना, थोड़ी पीछे करता हूँ। अब आ जाओ, बताओ कहाँ जाना है? सीधा लद्दाख लगा दूं क्या पापा? वहीं जाएंगे। अच्छा ये तो मजाक था, चलो बैठो भाई। तो भाई ये देखो
जस्ट अभी हम बाहर निकले अपने होटल से, हाईवे पकड़ा और सामने नजारे ही नजारे, क्या पहाड़ लग रहे हैं। और ये पहाड़ देखने में पहाड़ लगते ही नहीं है, पूरे ग्रीन है, ग्रीन बहुत बढ़िया। सोचो अभी कोयम्बटूर के बाद जो रास्ता आने वाला है ना, नजारे बन जाएंगे नजारे। सोचो कितना नारियल उगता होगा यहाँ, मतलब एक ही रोड पे ना कम से कम 500 पेड़ है। अभी ये देखो लाइन में दूर तक नारियल के पेड़, नारियल के पेड़। ये कर दिया हमने चालू। तो अभी सीन क्या है ना, आपको शायद मैं एक चीज बताना भूल गया, हमारी गाड़ी में ना वेंटिलेटेड सीट है और अभी ना सीट के अंदर से हवा निकल रही है ना, तो धोती में हवा जा रही है, तो ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया। कैसे है दीदी? मोर नाले पैर वाले। मोर नाले? नाले पैर वाले। आई दिन मोर ओढ़ रहा। अंजु मोर ओढ़ रहा यार मोर वाला। अंजु बोल रहे हो 20 रुपए का? 20 रुपए का चार। 20 रु। और मोर है नाले पैर वाले, अंजु मोर ओढ़ रहा। 50 रुपए का। हाँ। ठीक है। ऐसा करते हैं, इनको 50 का नोट देते हैं, जितने पैसे काटने हुए काट लेंगे। और मोर नाले पैर वाले। इसमें कितना आएगा? छोटा चाहिए, छोटा। हाँ। 40 रुपए और दो। 40 रुपए और दो। तो गजरे दिखे ना यहाँ पर, कल हम वहाँ पर गए थे ना नारियल पीने, वहाँ पर भी आंटी गजरे बना रही थी। दिखाना है, बड़ी खुशबू कैसी है इसकी? ओ बड़ी सुंदर है। बड़ी सुंदर है? मतलब चुली। हाँ हाँ हाँ, कितनी सुंदर खुशबू है यार। गाड़ी लगा दे। इतनी सुंदर खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंगी। अच्छा, सुंदर और सूंगू। हाँ हाँ, सुंदर है। पापा आप भी सुंदर सूंगू। सुंदर भी होती, अच्छी है। के पास लगा दो ना। यहाँ पर? हाँ। अरे भाई गजरे लगा दी गाड़ी में। गाड़ी कैसी लगेगी? नहीं नहीं, इसको बालों पे लगाना वो सही है, गाड़ी पे नहीं। हाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में रख दो, खुशबू आती रहे, लेकिन आगे शीशे पे गजरे लगा के चल रहे, कोई रोकेगा तो क्या समझेगा? गजरे वाली गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी का नाम ना डाल देगा लोग, गजरे वाली गाड़ी। जट भाई की गजरे वाली गाड़ी आ गई, साइड जो साइड जो साइड जो, चक्का जाम हो जाएगा, साइड जो गजरे वाली गाड़ी आ गई। अब ऊपर करो, अच्छा लग रहा है लेकिन, नाइस। पूरी गाड़ी में खुशबू खुशबू हो जाएगी ना। करीबन करीबन हमने 60 किलोमीटर कवर कर लिए जब वहां से निकले थे। 262 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी 200 किलोमीटर दिखा रहा। तो अब लग गई हल्की हल्की भूख, सुबह सिर्फ चाय पी के निकले थे। अभी यहाँ पर खाएंगे, प्योर वेजिटेरियन है, जहाँ हम रुके हैं ना यहाँ खाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। आज असली खुल्ला खुल्ला फील हो रहा है। और ये देखो, ये बाजू ऊपर चढ़ाई हुई है और ये पूरी ऐसे करी हुई है, क्योंकि यहाँ से ना धूप आ रही थी, उसकी धूप से अपने को एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे गाड़ी चला रहा था। कोई देखेगा तो कैसे बन के घूम रहा है। फैशन ब्रो, फैशन, आधी बाजू पूरी बाजू। चलो वही, जैसे हम अपने वहाँ बोलते हैं ना, एक थाली लगा दो, थाली में बहुत सारी चीजें आती हैं, यहाँ पर इसको मील बोलते हैं। तो मैं उनको बोला था खाने में क्या क्या, वो कह रहे मील है। मतलब मील में क्या क्या है? वो कह रहे मील है। मतलब मील है, मील के अंदर मील है। फिर हाँ, जब उन्होंने 2-3 बारी बोला ना मील है, तो मैं समझ गया मील कोई चीज़ है। तो मैंने उनको बोला 2 मील लेकर आओ। तो 2 थाली आई हैं यहाँ पर, जिसमें चावल है और ये 2 सांभर है, आई थिंक ये दाल है, ये दही है, ये खीर है, ये चटनी है, और ये भी कोई सब्जी है, और ये क्या है? नहीं नहीं, चार इतना ज़्यादा नहीं होगा। बीट, दो थाली मंगाई है, चपाती मंगाई है, यहाँ में आटे वाली चपाती मिल गई, नहीं तो रास्ते में हर जगह मैदे वाली चपाती मिल रही थी। आटे वाली चपाती 4-5 और बटर मसाला बोला, क्या बोला? पनीर बटर मसाला। मैं सब इतना ही ऑर्डर करा, भूख लगेगी तो और मंगा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग मील लेते हैं ना, उनको नहीं मिलता ये है, मील है तो मील के अंदर है ना। अब जैसे हम रोटी और वो खा रहे हैं, पनीर बटर मसाला या दाल भात, तो हमारे लिए प्लेट सजाई गई है। अच्छा बढ़िया, यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है लेकिन मजा आ रहा है। यहाँ पे ना कई जगह टूथपिक नहीं मिलती है, तो मैंने 4 टूथपिक ले ली। और इसको देखो, ओ भाई हेलो, बच्चों के लिए ये। ये किस लिए दिया पता है? हाँ। जो यहाँ पर फैमिली आती है, उनके बच्चे आते हैं, उनको खेलने के लिए। नहीं, पहले खाना खाओ उसके बाद हजम करो। ओके।
अभी तक आपने सारे ग्रीन ग्रीन पहाड़ देखे थे ना, ये देखो अब जाके बीच में एक पहाड़ नजर आया। ये ऐसा लग रहा थोड़ा लद्दाख की साइड का पहाड़ है। तो अभी हमें दिखे बढ़िया बढ़िया विंड मिल, तो हमने सोचा ड्रोन उड़ा लेते हैं। अब आप सोचो कि ड्रोन का है, ड्रोन यहाँ है। गर्मी है ना बाहर, गाड़ी में बैठे बैठे ही उड़ाएंगे हम, नजर नहीं आएंगे, हम यहाँ से नजर आएंगे, ड्रोन छूट वहां से नजर आएंगे। चलो एंजॉय करो। मेरे को लग रहा है अब हम अच्छे पायलट बन चुके हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ज्यादा तारीफ कर दी लग रहा है। वो पकड़ लिया तुम्हारे भाई ने। चलो ठीक है, होप करते हैं आपको ड्रोन शॉट में मजा आया होगा। अच्छे लगे हो तो लाइक करके जाना, यहीं पर लाइक कर देना। ये शॉट देख रहे हो तो लाइक कर देना। दबा खतरनाक कमेंट करते हो आप लोग। पिछले एक घंटे से ना कमेंट ही पढ़ रहा हूँ, एक नंबर कमेंट पढ़ के ना दिल खुश होता है। ऐसे कमेंट किया करो यार, मजा आता है कमेंट पढ़ने में। अगर आपको लगता है ना हम कमेंट पढ़ते नहीं, नहीं भाई, सारे कमेंट पढ़ते हैं। जो अच्छा लगता है उसको अपना दिल देते हैं, और जो ज्यादा अच्छा लगता है उसको दिल के साथ रिप्लाई भी देते हैं। अभी एक डेढ़ घंटा और पढ़ूंगा, सारे पढ़ मारूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। पिछले दो दिन से तो हमने नारियल पिया नहीं था, अभी सोचे जब तक यहाँ पर है ना तमिलनाडु केरला में घूम रहे हैं रोज एक नारियल पियेंगे। ले आओ भाई ले आओ। अरे आ गया, बड़ी स्पीड है भाई। चलो आप लोग कहते हो ना यहाँ के नारियल में खासियत क्या है, मैं बताता हूँ खासियत क्या है। हमारे वहाँ के नारियल काटो अंदर से गरी निकलती है, मलाई निकलती है, यहाँ के नारियल काटो अंदर से आम निकलता है, वो खा लिया। नहीं मैं बगल से लेके आई। बगल से बगल तो यही होती है ना। हाँ अच्छा, साथ वाली दुकान से। ओ मेरे को लगा बगल से बगल में आम उग रहे हैं क्या। एनीथिंग एल्स सर? नो सर। हाउ मच फॉर दिस? 120। नो नो 60 इज फॉर आम बंदा। एंड यू आर कमिंग विद जट प्रभ जो, दैट्स व्हाई इट्स फॉर 120। इट्स ओनली 40 रुपीस। लो वापस लो, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। आम ऐसे खा रही, छिलका भी खा जाएगी। छिलके भी खा जाती है, बकरी है क्या भाई। बादल देखो कितने सही लग रहे हैं और मौसम भी एकदम बढ़िया हो गया, शायद बारिश आएगी। हम लोग पहुंच चुके अन्ना नगर। एक चीज आपको और बता दूं, मेरी वीडियो के कमेंट ना सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ता, सबके सब पढ़ते हैं। ये देखो साइड में बैठ के क्या कर रही है, एक एक कमेंट पढ़ रही है। लाइक भी तो करती हूँ। हाँ जो उनसे अच्छा लगता है ये भी लाइक करती है, सही है। और जो ज्यादा बड़े लगते हैं फिर मेरे को बताती रहती है, अच्छा आपने ये वाला पढ़ा, ये अभी अभी नया कमेंट आया है। मजा आता है पढ़ने में। ऐसे वाले खंभे हैं पूरे लाइट वाले, हमारे वहाँ खाली रेड लाइट होती है, पूरा खंभा ही लाइट होती है। लो भाई भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, उन्होंने बोला तू काले बादल क्या देख रहा, ले बारिश ही ले।
प्रसन्न मतलब हैप्पी, हिंदी वर्ड. गॉड इज टू हैप्पी फ्रॉम अस, दिस इज राइट. हंस रही हो? गलत है क्या? गलत है? नहीं सही है ना. हाँ, तो गॉड इज टू हैप्पी विद अस, दैट्स व्हाई रेनिंग रेनिंग एंड रेनिंग. लो ऐसे इंग्लिश बोलिए, भगवान ने बारिश ही बंद कर दी है. अरे सॉरी, अरे भगवान सॉरी, अरे यार सॉरी भगवान. पसंद नहीं आई ना इंग्लिश लग रहा. तो भगवान ने हमारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली है, फिर से बारिश चालू हो गई है, भगवान फिर से प्रसन्न हुए. तो यहाँ से ऊटी रह गया 87 किलोमीटर, कोयम्बटूर के लिए लेफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे सीधा क्योंकि हम जा रहे हैं ऊटी. आप पीछे बैठे बैठे बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, थोड़ी बातें सुन रहा हूं. अच्छा, आगे आ जाओ, नहीं तो कोई नहीं, गाड़ी चला लो. नहीं तो नहीं, थैंक यू. अरे कुछ तो कर लो. कर रहा हूं. क्या लो? क्या कुछ कर लो कुछ चला लो. क्या कर ले हो? कुछ कर लो. क्या बताओ ना, दो बातें सुन रहा हूं. चलो ठीक है, सुनते रहो, हम गाड़ी चलाते हैं. भाई जब से सुबह से गाड़ी में बैठे ना, आम आम आम, मेरे को लग रहा है. हाँ वही तो कह रहा, जैसे बंदर नहीं होते, बंदरी सी बिठा दिया आगे. खाई जा रही है. मेरे को लग रहा है इसको इतना आम खाते देख लूंगा ना, मेरा आम खाने का मन ही नहीं होगा. खट्टा आम है. आप भी खा लो. नहीं नहीं, धोती उड़ गई. हवा इतनी तेज चल रही है ना भाई, धोती यहाँ भाग रही है, लेकिन सही लग रही है. धोती नहीं है ये, मुंडू है. मुंडू ऐसे ऐसे. अरे इतना ऊपर नहीं. सही क्या यहाँ से खाइए, ये पकड़िए. हाँ, ये पकड़िए. चले आगे, हवा तेज चल रही है, इससे पहले मुंडू उड़ जाए निकलते हैं. और अभी आप लोग सोचोगे हम यहाँ पर रुके क्यों हैं भाई, ये देख लो लाइन में पेड़ बड़े बड़े, ये बहुत अच्छे लगे, तो हमने सोचा कभी इंस्टाग्राम के लिए फोटो खींच लेते हैं. ऐसी धांसू फोटो खींचे ना, आप देखोगे आप बोलोगे भाई खत्म एंड. लो भाई सामने सुंदर सुंदर पहाड़ आ गए, और अभी हम यही पहाड़ चढ़ने वाले हैं, तभी हम पहुंचेंगे ऊटी, और चारों तरफ है और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं. तो भाई ऊटी से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर पहले आता है मेट्टुपल्यम, वहीं से हम निकल रहे हैं. सारे के सारे पेड़ देख रहे हो, बिल्कुल पतले पतले से, ये नारियल के नहीं है, देखने में लग रहा है ना नारियल के हैं. ये सारे के सारे पेड़ ना तामूल के हैं, जो सुपारी होती है ना, जैसे हमने असम में देखे थे. अभी तक हमें पूरे रास्ते में कहीं नजर नहीं आया, यहाँ नजर आया. आई थिंक ऊटी के आसपास बहुत सारे मतलब लाखों की गिनती में जो नजर आना शुरू हुआ, खत्म ही नहीं हो रहा है. हाँ मतलब इतने सारे खतरनाक. तो फाइनली पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो गया, गोल 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 गोल, लेकिन लेफ्ट साइड से ना आपको पहाड़ दिखाई नहीं सकते, इतनी ज्यादा ग्रीनरी है. वैसे खाई है वहां पर, लेकिन पेड़ ही पेड़ है, उसकी वजह से दिख ही नहीं रही. बंदर आजा. ओके इसको देखो. ओ भाई साहब क्या हुआ तुम्हें? कुछ क्या है थोड़ी ना बंदर है. मेरे को खिला रहा नहीं था, मेरे को पता था तुम डरती हो, इसलिए मैं जान के कर रहा था. लड़ाई हो गई. वैसे लेने को आ नहीं रहा, एक करंची मैंने फेंकी तो लड़ाई हो गई है. देखिए यही लेकर आया बाजी, यही जीत है आखिरी में. मेरे को ना खाली इसको डराना था, मैंने डरा लिया. आधी करंची उसको दे दी, आधी मैं खाऊंगा. देखो कितना क्यूट बच्चा, गोरा गोरा बच्चा, उसको देखो. गोरा गोरा चाहिए आपको? छोटा सा.
इसको ला के दो, गोरा बच्चा, वो गोरा बच्चा ला के दो। आजा भैया अपना बच्चा गोरा, इसको दे। अगर तुम्हें बंदर मिले पालने को तो पालोगी? पहले खुद तो पल जाओ, बंदर पालोगी? पापा जी आप कहाँ जा रहे हो? दुकान खोलने। दुकान खोलने? दुकान खोलने का टाइम हो गया। आज मेरे को ना असली फील आया गाड़ी चलाने में ना, एकदम वो खुला खुला सा। और एक चीज और बताऊं, यहाँ के जो बंदर है ना भाई, थोड़े अलग से है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ना बीच की चीर निकाली हुई। अभी एक बंदर बेटा जूम करके दिखा दे, तब आपको पता लगेगा। ये देख रहे हो भाई साहब, देखा ना आपने? मैं यही चीज बता रहा हूँ, इनके ना आधे बाल यहाँ है, आधे बाल यहाँ, और बीच में से चीर जैसे मम्मी कंघी करके भेजती है ना स्कूल में बच्चों की, और सबकी, छोटा बंदर, बड़ा बंदर, उससे बड़ा बंदर, पता नहीं ये कैसे है। क्या सबसे बड़ा बंदर? ये देखो, ये आ गई बंदरी आम खाने वाली। बंदरी बंदरी आजा, हो जाए झगड़ा। ये देखो, और पता क्या, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना तो रबड़ भी लगा रखी है यहाँ पर। वो बाल एकदम सेट बैठे हुए हैं भाई, जेल लगाया जेल। मेरे को लग रहा है 15 मिनट का व्लॉग बना सकता हूँ इनके ऊपर पूरा। पहले मैं खुद खाऊंगा वो, देखो पहले आ गया। अरे रुको ना, तो अरे बड़ा बंदर खाएगा फिर छोटा। वो मेरा बिस्किट पकड़ रहा है, मैं उसका पकड़ रहा था। आदान प्रदान भाई, बाटर सिस्टम, हर जगह बाटर सिस्टम होता है। मेरा नहीं था। साफ कर रहा है वो, बिस्किट साफ कर रहा है। तुमने नीचे गिरा हुआ बिस्किट दिया ना उसको, वो साफ हाथ से लिया है वो। अच्छा, तुम्हारे हाथ से लिया तभी साफ करके खा रहा है। बस देख रहे हो, मेकअप लग गया। मेकअप लग गया करा मत करो यार, इसको पता लग गया भाई। ये बंदा तेज है, इससे बच करो, इससे बिस्कुट लेना ही नहीं अभी तो हमारा छीन रहा। क्या वो भाई, यहाँ हो गया झगड़ा बंदरों से। आ जाओ, मजाक कर रहा है यार। ये सामने गुब्बारे लगे हुए हैं, इनको फोड़ूंगा। अरे आप बताओ कौन से वाले गुब्बारे में मारूं? ये वाला। कौन से? ये वाला। अब देखो बताओ कितने दूर से मारूं, दिल्ली से मारूं क्या? ठीक है, आप वैसे भी चला लेना, फट भी जाए तो भी नहीं, फिर भी नहीं बाजू। नियॉन वाला फोड़ना, नियॉन वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीयर्स। आज सबके कप में चाय है, देख लो ध्यान से। आज तो नहीं मजाक कर रहे ना कोई? आज मैंने पापा को पहले रुक दिया था, पहले रुक जाओ, चीयर्स करने दो। ये बिस्किट खा के देखो। सबसे मेन चीज पता है क्या दिक्कत आ रही है? फोन रखने के लिए जेब नहीं है धोती में। कभी यहाँ रखो, कभी वहाँ रखो, कभी भैया के काउंटर पे रखो। ये होती है ना। ये चीज देख रहे हो, रोड के बीच में पेड़ है, उसको डायवर्जन की तरह यूज करा हुआ है। वहां से गाड़ी आ रही है, यहाँ से जा रही है। तो कल हमारा ना ऊटी रुकने का प्लान है, और हमें एक जगह ये भी घूमनी है, डॉल्फिनोस। और इसके अंदर और तुम्हें को समझ नहीं आ रहा, और प्लीज जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है ना, कमेंट करके बता देना यहाँ पर और कौन कौन सी घूमने की जगह। एक तो डॉल्फिनोस है, और दूसरा हमें टॉय ट्रेन घूमनी है, और भी कुछ अच्छी जगह, तो प्लीज बताना। क्योंकि आजकल ना हमारी वीडियो टाइम से आ रही है, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं कल सुबह 8 या 9 बजे वो लाइव हो जाएगी, तो हम कमेंट पढ़ लेंगे। और जो अच्छी जगह घूमने, क्योंकि कल का पूरे दिन हम यहीं स्टे कर रहे हैं, वो घूम लेंगे, तो प्लीज याद रखना। सामने बादल देखो भाई, क्या सही लग रहे हैं। वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स, पहुंच गए हैं हम। अभी इसको देख के ना मेरे को थोड़ी बहुत दार्जिलिंग की याद आ गई है, जैसे वहां पर जाम लगा रहता था ना, यहाँ पर भी काफी गाड़ियां, काफी टूरिस्ट आए हैं घूमने के लिए। और ये देखो भाई बीच में, क्या सही लग रहा है ना। ये मैं अपना लाइट ही चली गई है, इसी चीज की कमी रह गई थी। फाइनली हम लोग ऊटी पहुंच चुके हैं, और अभी आपको अपना विला दिखाते हैं। हमने यहाँ पर 3 BHK लिया है, और बहुत सही, बहुत ही बेहतरीन। 2 रूम तो हमें रहने के लिए चाहिए, जैसे मेहमान वगैरह आ गए कहाँ बिठाएंगे, यहाँ बिठाएंगे। और एक हमने रूम स्पेशली एडिटिंग के लिए भी रखा, वो भी आपको दिखाते हैं। और ज्यादा मेहमान आ जाए तो यहाँ बिठाएंगे,
डिनर करना है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ करेंगे। और ज्यादा मेहमान आ जाए रहने के लिए, कुछ आते ना जैसे कि चाय पानी पीने के लिए, कुछ रहने के लिए आता है, तो ये बेड खोल के ये बिछा देंगे, उस पे सुलाएंगे। आओ आपको रूम दिखाते हैं। अच्छा पहले किचन नहीं, पापा वगैरह पहले किचन दिखाते हैं। चलिए किचन दिखाते हैं। लाइट लाइट एक्शन कैमरा। तो ये हमारी किचन है, सारे बर्तन वर्तन दिए हैं, सब्जी बनाओ खाओ। और वो देखो सामने कैमरा लगा, ऊपर वाला में देख रहा है। ये केटल कितनी क्यूट सी है, मैं भी लेके जाऊंगी ऐसी। ओ बैग में नहीं डालनी ये, देखो भाई ये मेरे पास से नहीं। अच्छा यहाँ से नहीं, बोरों से। मेरी आदत आपकी जैसी नहीं है, मेरे को लगा लेकर जाओगी। आओ आपको बारी बारी रूम दिखाते हैं, फटाफट से दिखाते हैं, ये तो सारी वीडियोस नहीं बन जाए। ये हमारा एक रूम हो गया और ये वॉशरूम हो गया आलीशान सा। नहाओ तैरो जो मर्जी करो, यहाँ भागो कुछ भी करो, ठीक है। ये एक रूम हो गया और दो रूम ऐसे ही है, देखने हैं तो देख लो, अगर नहीं देखनी तो 10-20 सेकंड की स्किप कर दो फटाफट से वीडियो। ये दूसरा रूम हो गया, इसका भी वॉशरूम ऐसा ही है। तीसरा रूम दिखाते हैं, ये तीसरा रूम हो गया। सबसे मेन चीज जो इसका बाहर का गार्डन एरिया है ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। तो सुबह यहाँ से मैं परमिशन लूंगा, ड्रोन उड़ा सकते हैं। अगर ड्रोन उड़ाने की परमिशन मिल जाती तो यहाँ से उड़ाएंगे ड्रोन। ओहो हो, परमिशन हमने ले लिया, ले लिया ऑलरेडी। ड्रोन आप उड़ा सकते हो। ओ भाई खतरनाक, खतरनाक भी है खतरनाक। सुबह पहले उड़ाएंगे ड्रोन, उसके बाद घूमेंगे टॉय ट्रेन में, उसके बाद पूरा ऊटी एक्सप्लोर करेंगे, खाएंगे पियेंगे मौज उठाएंगे। बाकी ठीक है, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको इस वीडियो में मजा आएगा। मौसम ठंडा है, हाँ यहाँ टेम्परेचर ठंडा है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि एसी वेसी चला, एसी पंखे तो है नहीं यहाँ पर। नहीं नहीं मेरे को लगा किसी किसी हिल स्टेशन पे होता है ना, जैसे नैनीताल जाते हैं, नैनीताल की तो हिल स्टेशन है। हमारे में तो नहीं थे पंखे। तुम्हारे घर में? घर में नैनीताल में, हॉस्टल में। तो तुम सस्ते वाले हॉस्टल में होंगे ना, महंगे वाले हॉस्टल में। तो ठीक है, इस वीडियो में यही एंड करते हैं। होप करते हैं आपको इस वीडियो मजा आया। यहाँ तक अपने वीडियो देख ले, लाइक करें ना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय। घूमते घूमते ऊटी पहुंच चुके, घूमते घूमते लद्दाख भी पहुंच जाएंगे। चलो बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।